मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ कैंपियरगंज के बाढ़ प्रभावित गांवों के साथ ग्राम पंचायत सोनोरा खुर्द में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत फेज टू में निर्मित शौचालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत भारत सरकार की वेबसाइट पर लक्षित लाभार्थियों के फेज टू एंट्री के सापेक्ष 5 लाभार्थियों के परिवारों में व्यक्तिगत घर घर जाकर शौचालय निर्माण की स्थिति का जायजा लिया तथा शौचालयों के उपयोग एवं उसके रखरखाव तथा स्वामित्व पर चर्चा करते हुए शौचालय को लाभार्थियों के द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु प्रेरित किया गया। सीडीओ ने कहा कि ग्राम पंचायत में जल जमाव वाले क्षेत्रों में एवं हैंडपंप के चबूतरों के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा एंटी लार्वा का छिड़काव एवं नालियों में भी एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाए। उसके पश्चात ग्राम पंचायत में निरंतर साफ सफाई हेतु सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। निरीक्षण के दौरान DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला समन्वयक बच्चा सिंह, खंड विकास अधिकारी कैंपियरगंज मोहित दुबे सहित संबंधित अधिकारी तथा ग्रामवासी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, हालांकि सर हमारे दो ग्रुप हैं पंचायत ग्रुप, तो भी आपको सब देख रहे हैं। अच्छा मीडिया अभी जो बाढ़ का पानी जो कम हो रहा है उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं पंचायत विभाग को या विकास विभाग से करनी है उसको चेक करने, इसके अलावा जो पहले बाढ़ को लेके जो गोरखपुर प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके रिव्यू के लिए फील्ड विजिट में आज मेरे द्वारा कैंपियरगंज में दो गांव देखे गए और उसमें जो हमने जो मुख्यतः जो जोर था हमारा जो पंचायत विभाग का वो जो मैंने चेक किया है उसमें ये था कि क्या जो है एंटी लार्वा छिड़काव हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लोरीन की गोलियां बटी है कि नहीं बटी है, फॉगिंग हो रही है कि नहीं हो रही, और जो कोई जिसके मतलब जो भी स्टेप लेने हैं जिससे बीमारी ना फैले और लोगों में जागरूकता आए कि उबाल के पानी पिया जाए, और जो इसके अलावा जो हमारे पशु पक्षी पशु हैं उनको भूसा पूरा मिला कि नहीं मिला, राशन किट वितरण हुई कि नहीं हुई, इस तरह के तमाम जो स्टेप जो शासन और प्रशासन द्वारा लिए गए हैं उनका एक आज रिव्यू किया गया है और उन दोनों गांवों में ये इंश्योर किया गया है कि ये पूरा कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा जो कैंपियरगंज के बाकी 12 गाँव हैं उसके लिए मैंने मेरे द्वारा जो हमारे वीडियोज़ हैं और उनकी ड्यूटी डिफाइन की गई है वो जाके कल और परसों उसको चेक करेंगे। शहर से 25 से लेकर 30 नोडल ऑफिसर पूरे ज़िले के लिए लगाए गए हैं जो अलग अलग बिंदुओं पे 13 बिंदु हैं जिसमें रिपोर्ट करके करेंगे। एक कॉल सेंटर भी चल रहा है, कॉल सेंटर से जो रिपोर्ट बन रही है उसको एनालाइज करके जहाँ भी कमी पाई जाती है यहाँ से टीम भेज के उसको पूर्ण किया जाता है। पिछले 3-4 दिन से स्वयं मेरे द्वारा भी अलग अलग गाँव अलग अलग क्षेत्रों में इसका दौरा और निरीक्षण किया जा रहा है, करेक्टिव मेजर दिए जा रहे हैं।